वे समता की प्रतीक भी हैं, ममता की प्रतीक भी हैं और साथ साथ भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंची हुई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई। एक कृष्ण अनुरागी परम भक्त के रूप में उनके दर्शन भी पूरा भारतवासी पूरी दुनिया करता है। इस अवसर पर आपका ब्रजभूमि में आगमन हम सबके लिए एक नई प्रेरणा है। मैं ब्रजवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में न केवल विकास की बल्कि विरासत की इस परंपरा को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रयास हुआ है, आपने योग को दुनिया के अंदर लगभग 190 देशों तक, आज योग जो भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों की एक धरोहर रही है, आज दुनिया इससे लाभान्वित हो रही है, इसे वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराई, कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलवाई और अब न केवल हमारी मथुरा बल्कि मथुरा वृंदावन और यहां के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अभियान आगे बढ़ाया गया। अभी तो वृंदावन क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखकर के बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी यहां पर करने का प्रयास हुआ है। आपने योग को दुनिया के अंदर लगभग 190 देशों तक, आज योग जो भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों की एक धरोहर रही है, आज दुनिया इससे लाभान्वित हो रही है, इसे वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराई, कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलवाई और अब न केवल हमारी मथुरा बल्कि मथुरा वृंदावन और यहां के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। और अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। इस अवसर पर आपके द्वारा संत मीराबाई की स्मृतियों को, 525वीं जन्मोत्सव की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए आज आप स्वयं यहां पर उपस्थित होकर के एक डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी करने के लिए आए हैं। संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, वह मेवाड़ की रानी भी थी और संत रविदास जी की शिष्या भी थी। इस सिक्के का मोल रखा गया है 525 रुपए का, क्योंकि 525वीं जयंती है संत मीराबाई की। मैं पुनः निवेदन करूंगा संस्कृति सचिव भारत सरकार श्री गोविंद मोहन जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से ये विशेष सिक्का भी जारी करवाएं। ये विशेष स्मारक सिक्का चतुर्थक मिश्र धातुओं के मिश्रण से बना है और इसमें 50% चांदी है, 40% तांबा है, 5% निकल और 5% जस्ता और इसका वजन है 35 ग्राम का। एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए, अपने आप को हम ऐसे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री में